हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजय टेक अपडेट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी स्कॉलरशिप जिस जो 11वीं क्लास का बच्चा अप्लाई कर सकता है, 3 ईयर ग्रेजुएशन का बच्चा अप्लाई कर सकता है और प्रोफेशनल कैटेगरी का बच्चा भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसको कोलगेट पामेलेव कंपनी स्पॉन्सर करती है स्कॉलरशिप को। इस स्कॉलरशिप को कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी पूरी डिटेल है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 11th क्लास के लिए बात कर लेते हैं 2022-23 की। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्या है। जिस बच्चे ने 10वीं कक्षा पास की हो 2022 में, वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। बेनिफिट क्या रहेगा, 20,000 रुपये पर ईयर मिलेगा 2 साल के लिए, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए आपको 20,000 रुपये स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी। पूरी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसकी, जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की हो 2022 में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 11वीं क्लास में भारत के किसी भी स्कूल में वो पढ़ रहे हों, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं क्लास में कम से कम 75% मार्क्स होने जरूरी हैं। एनुअल फैमिली इनकम की बात करें तो 5 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए। ठीक है, बेनिफिट 20,000 रुपये पर एनुअम है, 2 साल के लिए, 20,000 11वीं और 20,000 12वीं के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा। वैलिड आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट, फूड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एनी अदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकम इशूड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, कॉलेज आईडी कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं इन केस ऑफ एनी फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर कोई भी शरीर में कोई डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये वेबसाइट है www.buddyforstudy.com। यहाँ पर आप इस स्कॉलरशिप को निकालेंगे तो यहाँ पर नीचे स्कीम में अप्लाई का नाउ का बटन दिया है, आप इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद यहां पर आकर अप्लाई नाउ करोगे तो आप लॉगिन करके इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी 10वीं कक्षा पास की है। अब हम बात कर लेते हैं कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर 3 ईयर ग्रेजुएशन 2022-23। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं कक्षा पास की हो 2022 में, यह यहाँ नोट करो आप, 10वीं और 12वीं इसमें 2022 में ही पास की हो स्कॉलरशिप के लिए, 11वीं और 12वीं की स्कॉलरशिप लेने के लिए 10वीं 2022 में ही पास की हो और ग्रेजुएट 3 ईयर के लिए स्कॉलरशिप लेनी है तो 12वीं क्लास 2022 में ही पास की हो, 12वीं कक्षा में 60% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद वह भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए रेगुलर 3 ईयर के लिए। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट क्या दे रहे हैं इसमें, 30,000 रुपये पर ईयर दे रहे हैं 3 साल के लिए, 30 × 3 90,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें 3 साल के लिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में इनकम सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। 12वीं क्लास की मार्कशीट लगेगी, फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, कॉलेज आईडी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वही मैंने पहले बताया था, बडी फॉर स्टडी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल कैटेगरीज के लिए।
इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए 2022 में ही, 60% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए 12वीं कक्षा में, और वह इंडिया में कहीं भी प्रोफेशनल कैटेगरी यानी कि बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस या अदर्स में पढ़ाई कर रहा हो रेगुलर, ठीक है। फैमिली इनकम की बात करें तो एनुअल इनकम होनी चाहिए 5 लाख से कम, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट की बात करें तो 30,000 रुपये पर ईयर मिल रहा है 4 साल के लिए, 30 × 4 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही है कॉलगेट पामेलो कंपनी की तरफ से, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड आईडी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, एडमिशन लेटर, इंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अप्लाई नाउ का तरीका वही है जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें कुछ सक्सेस स्टोरी भी दिखाई हुई हैं, देखिए 19-20 में इनको ये स्कॉलरशिप मिली है 30,000 की, 19-20 में ये इनको मिली है 30,000 की, ठीक है। इनको भी 30,000 की स्कॉलरशिप मिली है, बीए फर्स्ट ईयर में है ये। उसके बाद इनको भी 30,000 की स्कॉलरशिप मिली है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, ठीक है। तो इस तरह से स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। अगर हम इसकी डेडलाइन की बात करें तो इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 31 दिसंबर 2022 इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 तक इसको अप्लाई कर पाएंगे, एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए। और ज़्यादा आपको अगर डिटेल में देखना तो आप टर्म एंड कंडीशन इसकी पढ़ सकते हैं सारी की सारी, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन दी हुई हैं वो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपसे यही शेयर करना था कि कॉलगेट पामेलो कंपनी ने एक नई स्कॉलरशिप निकाली है, कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो ये 11वीं के बच्चे और ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो 3 साल के लिए, और जो प्रोफेशनल कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि इस तरह की स्कॉलरशिप निकल रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप निकल रही हैं, तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो वीडियो बनाने का एक यही मकसद है कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि और भी मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे से इस चैनल पर सिर्फ आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड ही वीडियो मिला करेंगी, ठीक है। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।